दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे मृत्यु के बाद, मृत्यु के आगे की यात्रा पर। मृत्यु के बाद की यात्रा पर हमारा विज्ञान खामोश है और शायद खामोश ही रहेगा, लेकिन हम अपनी ये यात्रा पराविज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करेंगे। हमने ये मान लिया है कि हमारा दिखने वाला भौतिक शरीर हमारा पूरा अस्तित्व नहीं है। ये बात हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। हमारे एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा भाग अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है। मृत्यु के बाद हमारे भौतिक शरीर के अणु परमाणु प्रकृति में मिल जाएंगे, या यूं कहें कि हमारे भौतिक शरीर की 5% ऊर्जा भी अपने सूक्ष्म शरीर से मिल जाएगी। ध्यान रहे, ऊर्जा का नाश नहीं होता, केवल रूप बदलता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। और मृत्यु, दोस्तों, मृत्यु एक संपूर्ण सत्य है। यह अवश्य होगी, हर किसी की होगी, फिर भी यह विचार हम सबको बहुत डराता है। हम इस विचार से बहुत डरते हैं। सोचिए, अगर मृत्यु के बाद की यात्रा न होती तो स्वर्ग और नरक की शब्दावली भी न बनती। आज के एपिसोड की यात्रा आप किस दृष्टिकोण से करेंगे, यह हम आप पर छोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं इस रोमांचकारी यात्रा पर ब्रह्मांड के साथ, विज्ञान से ध्यान की ओर। मैं ब्रह्मांड हूं, आज मैं तुम्हें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा करवाऊंगा, क्योंकि मेरी ही प्राण में चेतना तुम्हारे जन्म और मृत्यु को संचालित करती है। जन्म अपने उद्गम स्थान से पृथ्वी लोक पर आने की यात्रा है। जन्म एक आत्मा से जीवात्मा बनने की क्रिया है। इस यात्रा का उद्गम स्थान परम आत्मा है, यानी परमात्मा और जीवात्मा का अंतराल आत्मा है। परमात्मा सबका है, जीवात्मा शरीर का, और आत्मा ये किसी का नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी आत्मा रूप हैं, जबकि अलग अलग पहचान लिए जाने पर यही जीवात्मा समझे जाते हैं। मां के गर्भ से बाहर आते ही तुम मनुष्यों की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। मृत्यु एक निश्चित सत्य है। इसका सामना तुम सबको करना है।
तुम्हारे पूर्ण अस्तित्व का मात्र थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारा भौतिक शरीर और इसकी समझ है। तुम्हारा अधिकांश भाग सूक्ष्म रूप में है और ये मृत्यु की वेदना से परे भी है। इसीलिए शरीर न रहने पर भी तुम्हारे अस्तित्व का नाश नहीं होता है। ये अविनाशी है। मृत्यु के समय चेतना मात्र शरीर बदलती है कपड़ों की तरह। ये बात ठीक से समझकर मान लेने पर मृत्यु के पश्चात जीवात्मा अपने उद्गम स्थान को लौट जाती है। उसे फिर दूसरे शरीर की आवश्यकता नहीं रहती और ये सब जीते जी सही विचार प्रणाली और वासनाओं के निरासन से संभव होता है। यही जीवात्मा की मुक्ति है। जीवात्मा से आत्मा तभी बनेगी जब वासनाएं नहीं होंगी। आत्मा को किसी शरीर धारण की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जीवात्मा को शरीर बनाने की आवश्यकता होती है। आत्मा वो ऊर्जा है जो वासनाओं की पूर्ति के लिए शरीर की रचना कर जीवात्मा के रूप में शरीर में रहती है। जब वासनाएं और इसके विचार ही नहीं होंगे तो आत्मा अपने शुद्ध रूप में बचेगी। मृत्यु के बाद यही मुक्ति है और जीते जी ये निर्विकल्प समाधि है। तुम्हारी दोनों भावों के बीच मन को रखकर ध्यान करने से आज्ञा चक्र अधिक क्रियाशील हो जाता है। अपने मन को आज्ञा चक्र पर रखकर ध्यान करने से माथे पर खिंचाव या झंझनाहट सा अनुभव होने लगता है। विभिन्न रंगों की कृतियां और उनकी झलक मिलने लगती है। दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ सकती हैं।
अंतराल की इस सुरंग के अंतिम छोर पर दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। लौकिक और पारलौकिक स्तर पर सब कुछ साफ दिखने लगता है। ये तुम मनुष्यों के लिए रोमांचकारी अनुभव होता है। उच्च स्तर से भेजे गए संदेश ग्रहण कर तुम अपना भौतिक जीवन बदल सकते हो। ये तुम्हारी समझ और जीवन के रहस्यों को खोल देता है। ब्रह्मांड यानी मेरी रचना और मेरे रहस्यों की समझ तुम्हें आने लगती है। अपने बारे में उच्चतम ज्ञान की अवस्था, अपने अस्तित्व की पूर्ण झलक, यही ज्ञान बोध होता है। इससे ये समझ विकसित होने लगती है कि मृत्यु कभी नहीं होती। यही समझ जीवन और मृत्यु का भेद मिटा देती है। तुम्हें रहस्य की बात बताता हूं। वास्तव में तुम इस धरती पर मां की कोख में चेतना के पुंज के रूप में आते हो। चेतना का नन्हे शरीर में प्रवेश जन्म कहलाता है। उद्गम स्थान से शरीर का सांचा और निर्माण तुम्हारी चेतना ही करती है। तुम्हारे पूरे जीवन का विस्तार यही तुम्हारी चेतन शक्ति निर्धारित करती है और ये मृत्यु है। मृत्यु के बाद आयु पर्यंत किए गए अनुचित कार्य, अनुचित विचार चेतन मस्तिष्क में बसे रहते हैं और यही अनुचित विचार प्रबंधन सूक्ष्म शरीर को शरीर से जोड़े रखना चाहता है। ये नहीं समझ पाते कि ये बंधन कैसे टूट गया। जबकि चेतना के स्तर पर उसे सब कुछ ठीक लगता है, इसीलिए शरीर से अलग होते ही इसकी बेचैनी बढ़ जाती है। एक ओर मृत्यु ने चेतना का संबंध शरीर से तोड़ दिया है, दूसरी ओर वासनाओं की डोर इसे अपने उद्गम स्थान जाने नहीं देती।
चारों ओर अंधकार में उद्गम स्थान के प्रकाश का अभाव होता है। इसीलिए चेतना अपने पार्थिव शरीर से हटना ही नहीं चाहती। वो निराश भाव से दूसरा शरीर खोजती है, परंतु वहां भी निराशा ही मिलती है। ये भटकती जीवात्मा अपने आयु पर्यंत किए गए कर्मानुसार अपना स्वर्ग और अपना नरक तय कर लेती है। वहीं दूसरी ओर सही विचार प्रबंधन और सही कर्म उसे मृत्यु से पूर्व ही सुख और संतोष प्रदान कर देते हैं। ये संतोष और सत्य के अनुभव मृत्यु उपरांत ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसीलिए मृत्यु से पहले ही चेतना को जीवन के सत्य का भान रहता है। अपने पार्थिव शरीर को बिना वेदना के छोड़कर ये चेतना अपने उद्गम स्थान को लौट जाती है। प्रकाशित जीवात्मा आत्मा बनकर अपने परम धाम के मार्ग को प्रकाशित करने लगती है। पृथ्वी लोक पर कभी वापस न लौटने के लिए यही परम गति है, यही मुक्ति है, परम पद भी यही है।